तो प्रस्तुत है आपके सामने अंतरिक्ष का ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो अंतरिक्ष, पहला सवाल आपसे ये है कि जब जन्म होता क्या है क्या बोलिए। इंसान का जन्म होता है तो मृत्यु अनिवार्य क्यों है? देखिए, अगर जन्म होता है तो मृत्यु भी जरूरी है, जैसे जन्म। देख, क्यों? अगर तेरी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, देख, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाए, कोई तेरे को मार ना पाए। हाँ, नहीं हो सकता। कुछ ही लोगों के पास है ये मक्खी दे राख के पास। हाँ चल बोल। मक्खी का तो काम ही है, उसको भगवान ने ऐसा ही बनाया, क्या कर सकते हो। आगे बोलिए, आप इस हाँ प्रश्न का उत्तर दीजिए। भटकिए मत, भटकिए मत। हाँ तो हम कहाँ थे। हाँ, हम यहाँ थे, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी जरूरी है। अगर हम इमॉर्टल हो जाएंगे तो क्या होगा? तो आपको कोई मार ही नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। बस ऐसा हो सकता है कि आपको कोई बीमारी ना लगे, रोग वोग से इमोर्टल हो जाए। फिर तो आपको तो पता ही होगा कि कैसे हमारे देश में अरबों लोग ऐसे अपने देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, तो उनके परिवार वाले कितना छोड़ पाते। सोच, बहुत तो वैसे ही उनको ज़्यादा टाइम शोक नहीं मनाना पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, 90 साल, 50, 40। ऐसे अगर तू इमॉर्टल हो जाएगी तो तुम्हें कोई मारेगा नहीं, अगर तो फिर सोच कितने समय जिए और हमेशा शोक मनाते रहे किस चीज़ का शौक? अपने रिश्तेदारों के लिए। अरे आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई एम सेइंग कि अगर कोई भी ना मरे, मैं ये नहीं चाहती कि मैं अकेली जिंदा रहूँ। मैं अकेली जिंदा रह के क्या नहीं, करूँगी? वो नहीं कह रहा। जो हाँ लोग मर चुके हैं हाँ किसी अच्छा लड़ाई झगड़े में, कोई हाँ सब में एक्सीडेंट, अच्छा वो सब का शोक मनाते रहे। वो तो अभी है। तो उन्हें अभी अरबों अभी बहुत साल जीने हैं, हजार हजार 2000 साल जीते अभी वो कम से कम, ऐसे हाँ होंगे। और वैसे ही तू मेंटली पागल वागल हो जाती है। सोच। अच्छा। हाँ तो अगला सवाल, इसका जवाब आपको अच्छे से मिल गया ना। थोड़ा बहुत आया समझ। अगला सवाल हम ये पूछना चाहते हैं। अरे हाँ तो कि अगर हमारे दुनिया में लिमिटेड लोग ही रहें, हाँ, यही तो मैं बोल रही थी ना, बैक कैमरा, कि अगर जितने लोग जीवित हैं अभी उतने ही लोग रहे, बर्थ भी उतना ही रहे, कोई नया जन्म ना हो, कोई मृत्यु ना हो, सब चीज़ एकदम लिमिटेड, मतलब लिमिटेड भी नहीं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, कि जितने हैं उतने ही रहेंगे, प्रेम से रहेंगे सब आपस में, तो क्या ऐसा हो सकता है? भगवान जी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वहाँ पे अभी वहाँ स्वर्ग में कितनी आत्माएं अपने नए जन्म के लिए रुकी हुई है, ओह उनको तो जन्म मिल ही नहीं पाएगा। और अगर अगर कोई पशु मर जाता है, ठीक, और कोई इंसान मर जाता है, तो इंसान या तो पशु बनेगा या तो पशु इंसान बनेगा। या तो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। तो वो सब भगवान जी ने एकदम सोच समझ के बनाया, उसके कर्मों के हिसाब से उसे मिलेगा सब। हाँ, अगर सब चीज़ फिक्स हो जाएगा तो उसको उसकी कर्मों का फल ही नहीं मिलेगा। ऐसे में तो जीव लोग, वो लोग भी कभी इंसान बनना चाहते होंगे, उनको तो ये मौका ही नहीं मिलेगा।
हाँ, सबके लिए बराबर है, बात तो सही है, एकदम करेक्ट। तो आज की ज्ञान की कड़ी समाप्त करते हैं, अगला प्रश्न आएगा बाद में। आप कुछ कहना चाहते हैं समाप्ति पे? मैं समरी कर देती हूँ कि भगवान जी ने जो भी सिस्टम बनाया है सब एकदम सोच समझ के एकदम करेक्टली बनाया है। अगर हम इस पे चिंतन करें तो हमें ये पता चलता है कि जो है जन्म मरण सब अनिवार्य होता है एकदम सिस्टम। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जो जानवर है बेचारे जानवर रह जाएंगे अगर जन्म मृत्यु नहीं होगा तो, इंसान इंसान ही रहेंगे। और इंसान को इंसान जन्म मिला भी है तो भी वो कई इंसान क्या कर रहे हैं, उसका कुछ अच्छा प्रयोग नहीं कर रहे। जानवरों एकदम को सही मार बात के खाते हैं और कुछ है। और करते हैं, मतलब अपने स्वार्थ के अपने लिए, स्वार्थ के लिए, अपनी टेस्ट के लिए कोई जानवरों की हिंसा करता है, दूसरे जीव वही को तो। मारता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें उसे प्रेम पूर्वक अपनी आत्मा के साथ साथ दूसरों की आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम दूसरों की आत्मा का कैसा उद्धार कर सके, अपनी आत्मा को और कैसा ऊंचा बना सके। ये सब हमें सोचना चाहिए। हमें शरीर के लिए बस नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी आत्मा के लिए ही सोचना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं बाद में, बाय बाय बोल दीजिए अंतरिक्ष चलिए अगले प्रवचन में मिलते हैं। प्रवचन।